हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेस गार्डनिंग। आज दोस्तों हमारा जो बेनियन का ये जो ट्री है इसको हम रिपॉट करेंगे। ये हमारा बॉन्साई है और अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में है। मैं इसको आज रिपॉट करने जा रहा हूँ और ये देखिए इसकी रूट्स वगैरह सब नीचे से बाहर आ रही हैं। ये प्लांट दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 साल पुराना है। तो अभी मैं इसको इसके पॉट से निकालने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने जो मेरे पास टूल है इसके साथ मैं इसकी जो मिट्टी है उसको हटाऊंगा किनारों से। तो आप भी पहले कुछ इस तरह से मिट्टी हटा लीजिए ताकि ये आसानी से ये बाहर आ जाए। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ये प्लांट आसानी से, हम इसको हल्का सा टैप करेंगे तो आसानी से बाहर आ गया और हम इसकी रूट्स को भी ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे। ऑल्दो मैं अब ये सारी जो रूट्स हैं ये ट्रिम भी करूँगा और मैं इसके पॉट की भी अच्छे से पहले इसको साफ़ करूँगा। अब दोस्तों इसकी मिट्टी हटाने के लिए कोई स्पेशल कोई बॉन्साई टूल नहीं मैंने लिया हुआ है। बहुत सिंपल सा मेथड है ये सारा। ये प्लांट पूरा रूट बाउंड हो चुका है तो इसको रिपॉट करना बहुत ज़रूरी था इसकी ग्रोथ के लिए। तो हल्के हल्के मैं इसकी मिट्टी हटाऊंगा और मैंने एक खुद एक टूल बनाया है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, जिसके साथ मैं इसकी मिट्टी और इसकी जो रूट्स हैं जो टेंगल हुई हैं वो भी हटाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक टूल बनाया है जिसके साथ मैं इसकी अब मिट्टी हटाऊंगा। ये मेरा खुद का ही जुगाड़ है। मैंने फॉक लिया है, फॉक को हल्का सा बेंड कर दिया है। आप इसको रेडियली फॉक को इसकी जो ट्रंक है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इसको आप अगर खींचेंगे तो आसानी से मिट्टी भी निकलेगी और जो उलझी हुई जड़ें हैं वो भी सीधी होती चली जाएंगी। और ये दोस्तों मैंने नीचे नेट लगा रखा था और नेट भी बिल्कुल जड़ों के साथ चिपक गया है, जुड़ गया है। हम उसको भी अलग करेंगे। अभी ये देखिए कैसे इसकी मिट्टी भी निकल रही है और जड़ें भी निकल रही हैं। तो ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखिए कि ज़्यादा जड़ें खराब ना हों। और ये देखिए अब आपको इसका रूट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब दोस्तों इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने टैप के अंदर इसको अच्छे से वॉश करा है ताकि इसमें कोई भी पैरासाइट वगैरह कोई भी मिट्टी ना रह जाए। और मैं प्लांट को भी वॉश दे रहा हूँ ताकि ये शॉक थोड़ा सरवाइव कर जाए। और ये दोस्तों अब हम अपना जो भी हमने टूल लेना है उसको हमने सैनिटाइज कर लेना है अच्छे से। और मैं इसकी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 70% रूट्स इसकी मैं प्रून कर दूंगा। ये बेनियन का ट्री है तो ये इस प्रूनिंग को झेल लेगा। अब मैंने नीचे एक दुपट्टे का मैश लिया है, उसको मैंने नीचे रख दिया है। और मैंने ये पॉटिंग मिक्स बनाया है जिसमें मैंने एक पार्ट ग्रेवल, एक पार्ट कंपोस्ट, एक पार्ट रिवर सैंड और मैंने थोड़ी सी गार्डन सॉइल ली है दोस्तों। ग्रेवल, कंपोस्ट, रिवर सैंड और गार्डन सॉइल, इनका मिक्सचर हम लेंगे और मिक्सचर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत पोरस रहेगा, इसमें जो मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा और इसमें ड्रेनेज भी अच्छी रहेगी। तो इसमें मैंने दोस्तों थोड़ा सा कोल भी मिलाया है ताकि इसमें मॉइस्चर रिटेन रहे, जब भी प्लांट को ज़रूरत रहे तो वो इसमें से वाटर कोल अपना वाटर इसको छोड़ता रहे, क्योंकि कोल पानी अब्जॉर्ब करेगा और जब जब प्लांट को ज़रूरत रहेगी वो इसमें से कोल में से अपना पानी लेता रहेगा। तो ये मैंने अपना प्लांट रिपॉट कर लिया है दोस्तों। और ये देखिए अब इसको मैंने ये ब्रश की सहायता से जो इसकी जो ये जो मेन जो रूट है जो सामने आ रही है इसको मैं एक्सपोज करूँगा उसको अच्छी सी लुक देने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इसकी मैं जो रूट्स हैं वो एक्सपोज कर रहा हूँ सो डैट कि इसका जो मेन, ये मैं इसका फ्रंट रख रहा हूँ बेसिकली। ये वाला जो हिस्सा अभी आप देख रहे हैं जिसको मैं अभी ब्रशिंग कर रहा हूँ ये मैं इसका फ्रंट रखूँगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी क्लीनिंग अच्छे से दे रहा हूँ और ताकि इसको मैं थोड़ा सरफेस दे रहा हूँ कि ये उभर के सामने आए, एम्बॉस्ड दिखे ये जो रूट है।
तो दोस्तों अब ये अच्छे से रिपॉट हो चुका है। अब हमने इसको ब्रशिंग भी कर दी है और इसको मैं फाइनल टच भी दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम इसकी जो वायरिंग है वो करेंगे। वायरिंग करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना है कि या तो कॉपर वायर लीजिए, पर ये जैसे अब प्लांट प्लांट ये 3 से 4 साल पुराना है, तो इसमें मैं कॉपर वायर के साथ बेंड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी हार्ड एल्युमिनियम वायर ली है। ये थोड़ी मोटी ज़रूर है बट इसको बेंड करने में सहायता देगी। ये दोस्तों सेमी कास्केड में मैंने इसको रखा है इस प्लांट को, क्योंकि इसकी शेप ही कुछ ऐसी है। इसको मैंने सेमी कास्केड में रखा है और इसमें इसको मैं ऐसे ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ सेमी कास्केड में, और इसकी जैसे शेप है इसको इसी शेप में मैं इसकी वायरिंग को भी शेप दूंगा। तो अभी थोड़ा इसको फाइनल टच दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से अब ये दिख रहा है। अब इसको मैं अच्छे से वाटरिंग कर दूंगा ताकि मिट्टी में इसकी पकड़ बन जाए। तो बहुत धीरे धीरे अभी वाटरिंग करेंगे, शावरिंग ही करेंगे, सो डैट की क्योंकि अभी इसकी जो सॉइल है वो अभी सेट नहीं हुई है, वो सेट होने में टाइम लेगी। उसको सेट होने में टाइम देने के लिए सबसे पहले हम इसकी शावरिंग करेंगे ताकि ये थोड़ी मॉइस्ट रहे मिट्टी। अब दोस्तों मैं इसकी डीफॉलिएशन कर दूंगा, जो इसके जितने भी लीव्स हैं हम उसको हटा देंगे। ये बहुत ज़रूरी है स्टेप दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसको डीफॉलिएट नहीं करेंगे तो इसके जो लीव्स का साइज़ है वो रिड्यूस नहीं होगा। आप देखिए बनियन ट्री में इतने छोटे लीव्स नहीं होते हैं। मैं हर सीज़न में जब भी इसका ग्रोइंग सीज़न होता है मैं उसमें इसको डीफोलिएट ज़रूर करता हूँ। साल में तकरीबन 2 से 3 बार तो डीफोलिएट करना इसको ज़रूर चाहिए। अब देखिए हमने हमने इसको डीफोलिएट कर दिया है और अब इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग में दोस्तों आपको शेप जिस तरह से देनी है, देखिए बॉन्साई का एक रूल होता है कि जो आपका ट्री बन रहा है वो एक नेचुरल ट्री की तरह दिखना चाहिए। और नेचुरल ट्री की तरह दिखने के लिए दोस्तों सीधे तो पेड़ नहीं होते हैं, हल्के से बेंड हुए होते हैं विंड्स के साथ या नेचुरली। तो हमें भी कुछ उस तरह से देना है, उसमें बेंड्स देने हैं, कर्व्स देने हैं। तो आप जैसे जैसे ये करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। मैं भी कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो हमने इसको वायरिंग दे देनी है, अच्छे से इसको बेंड कर दिया है मैंने और मैं अब इसको डीप वाटरिंग दे रहा हूँ दोस्तों। अब ये देखिए अपडेट हमारा 15 दिनों के बाद अपडेट देखिए, देखिए जहाँ से हमने डीफोलिएशन की थी नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए शूट्स आ रही हैं। ये मैं आपको 15 दिन का अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों। और ये मैंने साइड में एक पत्थर रखा है ताकि ये गिरे ना प्लांट हवा के साथ। ये देखिए छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। ये 15 डेज का अपडेट है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों अब ये 30 डेज का अपडेट है। मैंने एक बहुत अच्छा सी स्टोन रख दिया है इसके साइड पे उसको अच्छी लुक देने के लिए। और ये देखिए इसके लीव्स कितने अच्छे से आ गए हैं अब इसमें 30 डेज का अपडेट देखिए दोस्तों। मैंने इसके सारे एंड्स ट्रिम किए थे और वहाँ से न्यू शूट्स निकली हैं, तो अब इसकी लुक भी अच्छी लग रही है दोस्तों, काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये स्टोन के साथ काफ़ी उभर के आया है, जो मैंने सी स्टोन रखा है इसके साथ काफ़ी उभर के आ रहा है। तो ये मैंने इसको सपोर्ट के लिए दिया है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ को थोड़ा ये झुका हुआ है तो हवा के साथ गिर ना जाए। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, तो ट्रेनिंग पीरियड में आई गेस कि ये अच्छा मेरा जो भी मैंने किया है ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।